हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, जब हम कोई नई गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहला 500 किलोमीटर चलाने के बाद उसकी फर्स्ट सर्विसिंग हमें करानी होती है। और फर्स्ट सर्विसिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, मोबिल पलटी होता है और इस गाड़ी में पिकअप ऑयल डाला जाता है और थोड़ा सा नट बोल्ट जितना ढीला हुआ रहता है टाइट करके धो पोछ के अच्छे से दे देते हैं। और पहली सर्विस हमको 500 से 800 किलोमीटर के बीच में करा लेनी चाहिए और बहुत जरूरी होती है। बिना फर्स्ट सर्विस कराए हमको गाड़ी भगाना नहीं चाहिए। मैंने भी अपनी ये गाड़ी टॉर्क एक्सपी लेने के बाद लगभग 800 किलोमीटर चलाने के बाद फर्स्ट सर्विस करा ली थी और फर्स्ट सर्विसिंग में मेरा बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आया था, लगभग 460 रुपए के आसपास आया था, जिसका पूरा कंप्लीट वीडियो आपने मेरे इसी चैनल पे देखा होगा। इस गाड़ी में टॉर्क एक्सपी या सारे टॉर्क में जब सर्विसिंग का टाइम हो जाता है तो डिस्प्ले पे एक रिंच का आइकन दिखने लगता है, जिसका ये मतलब होता है कि अब सर्विसिंग का टाइम हो गया है, हमें सर्विसिंग करा लेना चाहिए। तो पहला जो रिंच का आइकन आता है वो आता है 500 किलोमीटर के बाद। जैसे ही गाड़ी 500 क्रॉस करती है तो रिंच का आइकन दिखने लगता है। जब आप सर्विसिंग करा लेंगे तो वो आइकन हट जाएगा। उसके बाद अब इस गाड़ी में 2500 किलोमीटर बाद फिर से वो आइकन दिखने लगा, मतलब अब फिर से सेकंड सर्विस कराने का टाइम आ गया है। मुझे तो लग रहा था शायद 4000 पे कराना होगा, लेकिन 2500 पे ही दिखने लगा सेकंड आइकन, सर्विसिंग वाला आइकन। वैसे तो अभी तक मेरी गाड़ी में कोई मेजर इशू, बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है और गाड़ी मेरी बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी। मैंने इसीलिए नहीं धुलवाया क्योंकि मुझे पता था कि मैं सर्विसिंग कराने जाऊंगा। अब सर्विसिंग कराने हम जाते हैं तो गाड़ी को पहले धुलते ही हैं, तो जब धुलाया जाएगा तो क्यों धुलाएं। इसीलिए भी गाड़ी की कंडीशन बहुत गंदी है। लेकिन अब हम लोग चल के सर्विस सेंटर पे इसकी अच्छे से सर्विसिंग कराते हैं, सेकंड सर्विस। और सेकंड सर्विस में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नई लगती हैं, सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कराने के बाद। अभी सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का डिस्प्ले दिखाता हूं, उस पे क्या दिख रहा है, कितना किलोमीटर चला हुआ है। ये देखिए, डिस्प्ले ऑन होते ही यहाँ पे देखिए रिंच का आइकन यहाँ पे दिख रहा है, ब्लिंक कर रहा है। अभी थोड़ी देर बाद ये कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट हो गया। अब ये हमेशा रहेगा, जाएगा नहीं तब तक जब तक मैं इसकी सेकंड सर्विस करा ना लूं। और अभी देखिए टोटल किलोमीटर आपको चल रहा होगा 2910, यानी 3000 होने वाले हैं। और ये 2500 किलोमीटर के बाद से शो कर रहा है, मतलब 400 मैंने एक्स्ट्रा चला लिया है, शायद लगभग 500 हो ही जाएगा एक्स्ट्रा, 3000 पहुंच ही जाएगा। अभी मेरी गाड़ी चारों तरफ से इतना ज्यादा गंदी पड़ी है, जैसे टायर्स के हालात देखिए, हर जगह पूरा मोबिल में सना हुआ माटी। कैमरे में आपको उतना ज्यादा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन गाड़ी एक्चुअल में बहुत ज्यादा गंदी हुई है क्योंकि मैं धुलवा उलवा रहा नहीं था। और वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम, कोई खास प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रही अभी तक मुझे चलाने में, लेकिन वो सर्विस सेंटर वाले देख के पता लगा लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी ठीक कर देंगे। हम लोग को अपने आप से उतना ज्यादा नहीं पता चल पाता है। बाकी ब्रेक व्रेक आगे पीछे का दोनों टाइट करेंगे ही, जब भी सर्विस कराया जाए तो ब्रेक व्रेक टाइट होता ही है। बाकी जो भी नट बोल्ट कहीं से ढीला हुआ रहता है, एक मेरा ए वाला जो फुट पैक होता है, इसका नट यहाँ पे ए वाला ढीला हो चुका है, इसको मैंने अपने हाथ से टाइट किया था, इसको टाइट करवा लूंगा। और भी ऐसे बहुत ढेर सारे नट होंगे जो ढीले हो गए होंगे, वो भी टाइट हो जाएंगे। इधर से देखिए इंजन साइड कितना ज्यादा गंदा लग रहा है यार। अभी दिन के 10:30 बज रहे हैं और मैं थोड़ा सा लेट हूँ, ऐसे सर्विस कराने के लिए काफी जल्दी जाना होता है, तब जल्दी नंबर आ जाता है। लेकिन अभी चल के देखते हमारा नंबर कितना देर बाद आ जाता है। जल्दी हो जाएगा अच्छी बात होगी, अगर जल्दी नहीं होगा फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन बैठ के आज करा के ही चलेंगे क्योंकि यार सर्विस कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मेरी गाड़ी इसमें बहुत ज्यादा मुझे गंदी ही लग रही, बस ये प्रॉब्लम लग रहा है। अभी सबसे पहले यहाँ पे हमको अपनी गाड़ी की बुकिंग करानी होगी, लेकिन यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है। अभी अपने गाड़ी की धुलाई स्टार्ट हो चुकी है, अभी गाड़ी के ऊपर इंजन वाला ढक्कन खोल दिया गया है। ये देखिए इसमें भी मोबिल पूरा निकाल लिया गया पुराना वाला, अब इसको नापना है एक्चुअल है कि कम तो नहीं हो गया है। ज्यादातर गाड़ियों को सर्विस कराने के लिए शोरूम की तरफ से हमको एक सर्विस बुक मिलता है और उस सर्विस बुक में आपके गाड़ी से रिलेटेड सारी डिटेल्स रहती हैं। तो जब भी आपको सर्विस कराना हो आप उस बुक को ले जाकर काउंटर पे दे दीजिए, आपकी बुकिंग हो जाती है। लेकिन एंटॉर्क के साथ में कोई भी सर्विस बुक नहीं मिलती है, मुझे तो नहीं मिली है। तो जब मैंने फर्स्ट सर्विस कराई तो मुझे सिर्फ अपना मोबाइल नंबर देना पड़ा था, जिससे पूरा रजिस्ट्रेशन पूरा बुकिंग हो गया था। लेकिन दूसरी बार में सिर्फ मोबाइल नंबर से काम नहीं हुआ, बुकिंग करने वाले ने कहा कि चेसिस नंबर भी दीजिए। तो डिग्गी के नीचे गाड़ी का जब हम बूट खोलते हैं तो पीछे की तरफ चेसिस नंबर लिखा होता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके हमने उनको दे दिया और मीटर की रीडिंग कितना किलोमीटर चला उसको दे दिया। तो इतनी चीजों से बुकिंग हो गई। तो जब भी आप सर्विसिंग कराने जाएंगे तो सबसे पहले आपको बुकिंग करना होगा। तो मैंने बुकिंग करा ली, उसके बाद मेरी गाड़ी धुलने को गई, पूरा धुलाई होने के बाद सर्विस करने के लिए ले जाया गया। उसके बाद एक लोग आके हमसे पूछे कि पहली सर्विस कहां से कराए थे, हमने बोला यहीं से कराए थे। तो उन्होंने कहा कि कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है, अगर आपकी गाड़ी में मोबिल कम हुआ होगा, अभी हम लोग मोबिल निकाल के चेक करेंगे, अगर उसकी क्वांटिटी कम होगी तब आपको अपनी गाड़ी छोड़ के जानी पड़ेगी, क्योंकि जो कंपनी की तरफ से अपडेट आया है उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन अगर आपके गाड़ी में मोबिल कम नहीं हुआ होगा तब आप अपनी गाड़ी तुरंत लेके जा सकते हैं। तो जो चीज आपने थंबनेल में देखा वो एकदम सही है। जिन लोगों ने भी नई एंटॉर्क खरीदी अभी हाल ही में, वो अगर सर्विस कराने गए होंगे या सर्विस
सर्विस कराने जाएंगे तो उनको भी शायद ये बात जरूर बोली जाएगी। मेरे यहाँ तो बताई जा रही है कि आप अपने गाड़ी का मोबिल चेक करते रहिए, अगर मोबिल या इंजन ऑयल कम हो रहा है, ज्यादा जल रहा है, तब उसको अपडेट किया जाएगा, कंपनी की तरफ से जो अपडेट आया है उसको करना होगा। लेकिन अगर आपका मोबिल जल नहीं रहा है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो अपडेट कंपनी की तरफ से आया है उसको करना जरूरी है, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मेरी गाड़ी में भी जो नॉर्मल पीछे साइड इंजन का ढक्कन जो होता है उसको खोल के उसके अंदर जो ब्रेक शू होता है उसको सब अच्छे से क्लीन किया गया। क्लीन करने के बाद मोबिल निकाला गया, मोबिल पूरा निकाल के उसको नापा गया, मेजरिंग फ्लास्क से एक बड़ा सा बॉटल था उसमें जो मोबिल निकाला गया उसको डाल के नापा गया, और मेरे गाड़ी में मोबिल सही था, कम नहीं हुआ था, उसको 2-3 बार उन लोगों ने नापा, एकदम सही था, तब मेरी गाड़ी में कोई अपडेट नहीं करना पड़ा। अभी इसी से मेरी गाड़ी का मोबिल नापा गया, एकदम बराबर आया, कम वम नहीं था, अगर कम होता तो मुझे गाड़ी छोड़ के जानी पड़ती, तब इसको अपडेट किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये वाला पार्ट खुलने के बाद कुछ ऐसा देखने में लगता है, ये वाला मोबिल डाला जाता है गाड़ी में, TVS का ही है, और ये वाला पिकअप ऑयल डाला जाता है। और अभी एंटोर गई थी अपनी चेक होने के लिए, चेक होके आ गई, यही मेरी गाड़ी बनाए लेके गए थे चेक करने के लिए, चेक वो करके आ गए हैं, अब देखना है कुछ होता है कि सब सही है। पूरी सर्विसिंग तो हो गई, सर्विसिंग होने के बाद अपनी गाड़ी अंदर बाहर दोनों तरफ से चमकने लगी। अभी हम शोरूम से लेके आ गए हैं बाहर, पहले यहाँ मीटर पे जो रिंच का आइकन दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा, क्योंकि सर्विसिंग के बाद हट जाता, देखिए डिस्प्ले पे आपको कहीं भी नहीं नजर आ रहा होगा रिंच का आइकन। सर्विस सेंटर में गाड़ियां तो बहुत थी लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मेरा नंबर जल्दी आ गया जिसकी वजह से जल्दी मुझे गाड़ी मिल भी गई, और सेकंड सर्विस में मुझे टोटल खर्चा जो आया वो आया एग्जैक्ट 500 रुपए, और उन 500 रुपए में बस दो ही चीज था, एक मोबिल एक पिकअप ऑयल, और कोई चीज मेरे गाड़ी में नया नहीं लगा। और सर्विस सेंटर वालों ने कहा कि 15-20 दिन में आके फिर से मोबिल चेक करा लीजिएगा कि कम तो नहीं हुआ, अगर कम होगा तो आपकी गाड़ी में वही अपडेट करना होगा, तो अगर मन करेगा तो फिर से जाके चेक कराएंगे 15-20-25 दिन बाद। लेकिन ये अपडेट आया है कंपनी की तरफ से, तो जिन्होंने भी नई एंटोर्क खरीदी है वो जाके एक बार अपने सर्विस सेंटर पे जरूर ये बात पता कर लें, क्योंकि यार इतना महंगा गाड़ी खरीदे आप, अगर उसमें कोई इशू आ गया तो आप ही को परेशान होना पड़ेगा, तो जाके एक बार चेक करा लीजिए, अगर सही होगा तब तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर सही नहीं होगा तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। और मेरी गाड़ी पे एकदम मस्त चल रही है, कोई दिक्कत पहले भी नहीं था अब भी नहीं है। तो मिलते हैं आपसे ऐसे किसी अगले वीडियो में।